नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सिंह और आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप आसानी से इजीली क्लास 10 का बायोगैस डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। और मैं आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी, देन प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। और मैं बता दूं गाइस, मैं क्लास 12 का भी अपलोड करने वाला हूं अपने चैनल में, सो प्लीज़ अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लिया और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर लिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम गाइस, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। ऑलराइट फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स हम लोग यहां पे सबसे पहले एक स्केल यूज़ करेंगे एंड देन मार्क करेंगे 0 से 2.5 सेंटीमीटर तक। अगेन सेम हम लोग वैसा ही कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे अपना मैकेनिकल पेंसिल एंड सिंपली यहाँ से इसे मिला देंगे। अगेन गाइस हम लोग वैसा ही फोल्ड करते हुए इसे यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। सो ये जहाँ तक देखा जाए बहुत ही ईजी है। देन हम लोग अपने स्केल को पुट करेंगे इस तरह से एंड देन मार्क करेंगे 1 से 4 सेंटीमीटर तक एक लाइन। एंड देन आफ्टर दोस्तों हम लोग यहाँ से 1.5 सेंटीमीटर तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे एंड देन आफ्टर 2 से डायरेक्ट 4 तक लेते जाएंगे। मतलब हम लोग को यहाँ पे 0.5 का डिस्टेंस छोड़ना है। इसके बाद दोस्तों अब हम लोग सेम दूसरे वाले में भी करेंगे। सो सिंपली हम लोगों को यहाँ पे आगे भी कर सकते हैं आप इसे, तो इसलिए हम लोग यहाँ सिंपली 1 से 5 सेंटीमीटर तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे देन 0.5 सेंटीमीटर छोड़ेंगे एंड देन आफ्टर 2 से 4 तक लेते जाएंगे। अगेन गाइस सेम हम लोग एक 4 सेंटीमीटर का लाइन बना देंगे इसके पैरेलल ही। सो जहाँ तक देखा जाए गाइस ये बहुत ज़्यादा इजी है क्योंकि आप लोग सिंपली यहाँ पे कुछ ट्रिक्स यूज़ करना है जिससे आप इसे बड़े आसानी से एग्ज़ाम में बना सकते हैं और समय भी कम लगे। सो वो ट्रिक मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ गाइस, आप इसे फॉलो करें। उसके बाद दोस्तों अब हम लोग इस तरह से ऊपर में एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इसी के पैरेलल 1 मोर एंड देन आफ्टर यहाँ पे दोनों को ज्वाइन कर देंगे। अगेन गाइस सेम हम लोग यहाँ पे नीचे करेंगे इस तरह से, सिंपली हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे एंड देन आफ्टर इसके पैरेलल 1 मोर एंड इसे ज्वाइन कर देंगे। सो ये इजी है गाइस, मेरे साथ आप स्टेप बाय स्टेप अभी स्टार्ट करें। देन हम लोग यहाँ से फोल्ड करते हुए गाइस इसे लेते जाएंगे यहाँ तक एंड देन छोड़ देंगे। सेम गाइस हम लोग यहाँ से दूसरे साइड से भी लेते आएंगे। सो इसके लिए सिंपली हम लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा ये कर लेना रफ एंड देन आफ्टर यहाँ पे बना के इसे मिला देना। सेम हम लोग वैसा ही ऊपर में भी कर लेंगे इसी के। इसके बाद दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे गैस आउटलेट के लिए एक पाइप बनाएंगे। सो उसके लिए सिंपली हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे स्केल को और दोनों तरफ से एक एक लाइन पैरेलल बना लेंगे। सो इस तरह से बनाने के बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इसे फोल्ड करेंगे ऊपर की ओर। सो उसके लिए हम लोग यहाँ पे पहले मिला देंगे एंड देन आफ्टर यहाँ से गाइज आप देख सकते हैं किस तरह से मैं फोल्ड कर रहा हूँ एंड देन हम लोग अगेन यूज़ करेंगे अपने स्केल को और 2 पैरेलल लाइन बना के इसे पाइप की तरह बना लेंगे। सो ईजी है गाइज, ये भी आप आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अब हम लोग यहाँ से ड्रॉ करेंगे एक लाइन। सो उसके लिए सिंपली मैं यहाँ पे यूज करूंगा स्केल। मैं कुछ बातें हैं गाइस, देखिए मैं किस तरह से अपने स्केल को 0 में रख रहा हूँ एंड देन आफ्टर 1 से 1.5 सेंटीमीटर तक हाफ एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ एंड इसके बाद दोस्तों फिर से अगेन 0 में रखने के बाद 1 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। सो ये बहुत ही ईजी है गाइस जहाँ तक देखा जाए। सेम हम लोग अगेन वहाँ से एक 1 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करेंगे 0 में रखने के बाद। यहाँ पे एक छोटा सा हिंट मिल जाता है हम लोगों को एंड देन आफ्टर यहाँ पे 0.5 का। सो इसके लिए मैं सिंपली यहाँ पे किस तरह से रख रहा हूँ देख लीजिए आप ताकि आपको दिक्कत ना हो। उसके बाद दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे इसके नीचे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। सो उसके लिए सिंपली मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ एटलीस्ट दोनों साइड थोड़ा थोड़ा बढ़ा के गाइस। सो उसके लिए सिंपली हम लोग इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इसे एंड बनाने के बाद दोस्तों अब हम लोग इसके नीचे इसी के पैरेलल और एक लाइन ड्रॉ करेंगे। सो सिंपली हम लोग अपने स्केल को थोड़ा छोटा कर लेंगे इस तरह से एंड देन आफ्टर यहाँ से सेम इसी के पैरेलल और एक लाइन बना देंगे। अब गाइस हम लोग इसे दोनों साइड बंद कर देंगे ओके। इसके बाद दोस्तों अब हम लोग फर्टिलाइज़र सैलरी इसके लिए एक कुछ इस तरह से शेप बनाएंगे। सो सिंपली हम लोग यहाँ से गाइस और एक लाइन इसे थोड़ा बढ़ा देंगे दोनों तरफ एंड इसके पैरेलल नीचे वाले को कर देंगे। ये थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए ताकि हमारा जो गैप है वो फिलफुल हो जाए यहाँ पे, और नहीं भी होगा तो मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा कैसे आपको करना है। सो आप देख सकते हैं इसे। इसके बाद दोस्तों अब हम लोग यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे।
सो उसके लिए मैं सिंपली इस स्केल को, अपने स्केल को यहाँ पे इस तरह से रखूँगा और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँगा। सेम दोस्तों, इसके बाद हम लोग इसी के पैरेलल और एक लाइन ड्रॉ करेंगे। सो सिंपली उसके लिए हम लोगों को अपने स्केल को इस तरह से रखना है एंड देन आफ्टर इस ढक्कन के बराबर से ले जाते हुए हम लोग यहाँ पर मिला देना। तो आप इसे आसानी से बना सकते हैं दोस्तों। अब हम लोग इसको थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ाएंगे इस साइड से एंड देन आफ्टर इसके ऊपर और एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे इस तरह से। इसके बाद दोस्तों अब हम लोग यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इसे ज्वाइन कर देंगे। सो ये बहुत ही ईजी है जहाँ तक देखा जाए दोस्तों। देन दोस्तों हम लोग यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, इसके पैरेलल यहाँ से इसको बढ़ाएंगे दोस्तों ताकि ये ज्वाइन हो जाए। सेम हम लोग दूसरे साइड भी इसी के पैरेलल बना लेंगे। इसके बाद दोस्तों आप मुझे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे फॉलो करते रहो और ये बहुत ही ईजी है जहाँ तक देखा जाए और आप इसे बड़े आसानी से बना सकते हैं, मुझे पूरा भरोसा गाइस आप पे। और अगर आप ऐसा ढेर सारे वीडियोस देखना चाहते हैं दोस्तों तो मेरे चैनल में जाके चेक करें, मैंने ऑलरेडी ढेर सारे वीडियोस क्लास 10 के अपलोड कर दिए हैं जो आपको अच्छे मार्क्स एग्ज़ाम में लेने में मदद करेगी। सो ज़रूर जाके देखें गाइस एक बार ज़रूर, क्योंकि आपको क्या पता हो कि कौन सा डायग्राम कब आ जाए। ये लाइन बनाने के बाद दोस्तों अब हम लोग इसके पैरेलल और थोड़ा सा गैप छोड़ते हुए इसके ऊपर वाले में इतना कम से कम, उसके बाद हम लोग सेम एक और लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ तक। और उसके बाद दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे इसके पैरेलल ताकि यहाँ पे एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर इस टाइप से बन जाए थोड़ा सा, ओके। एंड देन आफ्टर यहाँ पे एक और इस तरह से। सो ये बहुत ही सिंपल है जहाँ तक देखा जाए, आप इसे बना के मेरे साथ कंप्लीट कर ले और इसके बाद खेलेंगे हम लोग एक छोटा सा गेम जिसमें आपको बोलना होगा मेरे से पहले नाम, एज यूजुअल जैसे हम लोग खेलते हैं राइट। इसमें मज़ा भी आएगा गाइस, आपको सीखने को भी मिलेगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा कि आपको आता या नहीं। इसके बाद दोस्तों अब हम लोग यहाँ पर बनाएंगे इसके अंदर में जो होता है उसे। सो उसके लिए सिंपली हम लोग यहाँ पर एक स्केल यूज़ कर सकते हैं या अपना पेंसिल से ही डायरेक्ट उसे डार्क कर सकते हैं शेड, जो आपको आसान लगे दोस्तों वो आप करें इसमें और अपना समय बचाए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आपको और ढेर सारे क्वेश्चंस लिखने होते हैं। तो उसके लिए सिंपली मैं यहाँ पे अभी स्केल्स से इसे करके दिखा दे रहा हूँ कि किस तरह से अगर आपके पास समय रहता है तो आप इसे नीट एंड क्लीन बना सकते हैं। तो मैं गाइस मैं यहाँ पे सिंपली इस तरह से एक पैटर्न बनाऊँगा। इसको बनाने के बाद आप देख सकते हैं मैं इस तरह से पहले इसे दिखा रहा हूँ यहाँ पर कि किस तरह से ये है। इसके बाद दोस्तों अब हम लोग यहाँ पर एक पैटर्न बनाएंगे। पैटर्न बनाने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा स्केल सिंपली और इस तरह से यहाँ पे रखने के बाद दोस्तों हम लोग इसे सेट भी कर सकते हैं और इसे पैटर्न बना के भी सेट कर सकते हैं। सो दोनों आपको जो आसान लगे आप वो करें, क्योंकि आपको वहाँ पे समय बचाना है दोस्तों। और मैं यही बोलूँगा कि जो आपको अच्छा लगे वो आप करें वहाँ पे, ताकि अपना समय बच सके आपका। सो नाउ इट्स रेडी, अब टाइम है गाइज गेम खेलने का। सो लेट्स प्ले द गेम। सो लेट मी नो गाइज फर्स्ट वन नेम। सो दिस वन इज स्लरी राइट। इसके बाद दोस्तों अब इसके नीचे क्या होगा जल्दी से बताओ। सो दिस वन इज सॉइल, अगर आपने मिट्टी बोला है तो आप सही है। इसके बाद दोस्तों जल्दी से बताओ कौन सा होगा। सो दिस वन इज गैस टैंक। आफ्टर दिस वन गाइस इसके ऊपर क्या होगा जल्दी से बोलो। सो दिस वन इज गैस आउटलेट राइट। इसके नीचे गाइस अब बताओ जल्दी से। सो दिस वन इज सॉइल अगेन एंड आफ्टर दिस वन इसके ऊपर में जो होता है वो है मैन्योर। एंड देन आफ्टर गाइज इसके साइड में होगा क्या होगा जल्दी से बोलो। सो दिस वन इज फर्टिलाइजर, अगर आपने बोला तो आप सही है गाइज। अब इसके लास्ट वाले नीचे में क्या होगा। सो दिस वन इज आउटलेट और जो फाइनल लास्ट है गाइज उसको डाइजेस्टर बोला जाता है। सो अगर आपने मेरे साथ बोला है तो आप सही है, और अगर आपने अभी तक नहीं सीखा गाइज तो और एक बार इसे रिपीट करें और आप जरूर सीख ले। सो मैं आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, देन प्लीज जल्दी से लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करें अपने व्यूज़ की ये वीडियो आपको कैसे लगी। और अगर आप चाहते हैं दोस्तों ऐसा ही ढेर सारे वीडियोस आपसे मिस ना हो, देन प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर ले। मैं मिलता हूँ गाइस अपने अगले वीडियो में। सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।